भावनगर जिला सहकारी संघ द्वारा संघना अध्यक्ष जयवंत सिंह जाडेजा की हाजरी में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत जिला सहकारी सेमिनार योजायो हतो। आ कार्यक्रम में दिलीप संघाणी ने इफको दिल्ली ना चेयरमैन बनवा बदल विविध संघों द्वारा अभिवादन करायो हतो। तेमज कार्यक्रम में श्रेष्ठ सराफी मंडळीओना होद्देदारों ने पारितोषिक आपी सन्मानित करवामां आव्या हता। तळाजा तालुकाना बपाड़ा सहजानंद विद्यालय खाते योजायेल कार्यक्रम में पूज्य बापू ने श्रद्धा सुमन अर्पण करवामां आव्या हता। उपरांत खेडूतो तेमना खेतरमां यूरिया खातरनो उपयोग करे छे, तेनाथी जमीन बगड़े छे, अनाज पर तेनो छंटकाव करता खाद्य खोराक पण बगड़े छे, घास चारा पर तेनो उपयोग थता पशुओना दूधमां पण यूरियाना तत्वो आवे छे तेनी चर्चा पण करवामां आवी हती। तेमज राष्ट्रीय सहकारी संघना महिला विंगना भावनाबेन जाडेजाए सौनुं स्वागत करी कार्यक्रमनी भूमिका आपी हती। आ प्रसंगे भावनगर सहकारी संघना चेरमेन जयवंतसिंह जाडेजा, पूर्व धारासभ्य कनुभाई कलसरिया, दिलीप सिंह गोहिल, नीपाबेन तथा भावनगरना विविध सहकारी संघोना चेयरमैन मंत्रीश्रीओ तथा बपाड़ा गामना ग्रामजनों उपस्थित रह्या हता। एनसीयूआई नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया देशनी सर्वोच्च संस्था गणाय छे। दिलीपभाई अमे हमणा आव्या पछी एक नवो निर्णय कर्यो के नानी नानी प्राइमरी सोसायटी चालती होय कई वस्तुओ बनावती तो दिल्ली में दिल्ली 8 वर्षों थी हाल त्या कोई ने थोड़ी नानी एवी दुकान के जगह ले तो बहुत ऊँचू भाड़ू हो नानी सोसायटी वाला ने नाना वेपारी ने पोसाय नहीं, परंतु सहकारिता ने प्रोत्साहन अपने एनसीयूआई पास अमरी पास खूब मोटी जगह एम एनसीयूआई आठ शुरू करी अमरी पास होस्टेल से अत्यारुधी 3 माळनी थी एनसीयूआई आठ शुरू कर पी निर्णय करो कि पाड़ी ने 9 माळनी बनावी है। देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की सोसायटी ने एना उत्पन्न थे जे चीज वस्तु हो वेचवा विना मूल्य जगह आपस समय मर्यादा रखी एनी वस्तुओं लैने आए यू भाड़ू पण आपसू वेचाई गया पछी वस्तुओं वधे ए परत लई जवा माटेनुं पण भाड़ू आपीए एटला माटे के सहकारिता ने प्रोत्साहन आप सहकारिता એ પ્રાઇમરી સોસાયટીને પ્રોત્સાહન આપવું છે। મોટી કંપનીઓવાળા તો ગમે ત્યાં રાખશે, નાની નાની સોસાયટીવાળા નાની નાની વસ્તુઓ બનાવતા ક્યાં વેચવા જશે તો એને રાષ્ટ્રીય ફલકમાં મોકો મળે એટલા માટે એનસીઆઈ તરફથી અમે શરૂ કરી ચૂક્યા છીએ। હિરેન ચૌહાણ સાથે ઇરફાન સોલંકીનો રિપોર્ટ, ભાવનગર।